हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 777 यानी 777 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से ताजमहल का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना प्यारे बच्चों, ताजमहल का चित्र। तो ताजमहल का चित्र बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा और हो सके तो जो है आप जो है हमारे साथ ही बनाते रहिएगा। यानी कि आप जो है मार्कर, पेपर और पेंसिल उठा लीजिए प्यारे बच्चों, जो भी आपके आसपास है आप उठा लीजिए और मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। पहले स्टेप में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप 7 लिखिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर बीच में आप 7 एक से बन यहाँ पे लिख देंगे, एक से बन आपको यहाँ पे लिखना होगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। और अब आप हमें जो है टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, आप वहाँ पे जाइए और हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिएगा 777 लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, 1 यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, 1 आप यहाँ पे लिख देंगे, 1 आपको इस साइड लिखना होगा। ये हो गया हमारा 1 लिखने के बाद प्यारे बच्चों जस्ट इसी के बगल में 1 आपको यहाँ पे लिख देना होगा और 1 यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो गया हमारा, यानी कि 1 2 3 4 आपको इस साइड लिखना होगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आप जो है इस वाले हिस्से में भी रिपीट कर देंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हम आपसे बार बार कहते हैं प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक किया करिए। यहाँ पे आप ऐसे 1 लिखने के बाद अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसी छोटी सी सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको आप बहुत ही आराम से ऐसे डबल कर दीजिएगा। और कोई जल्दबाजी मत करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ड्राइंग जो है बहुत ही आराम से बनाया जाता है। ये इसको डबल कर दीजिए। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर इसके बाद अब देखिएगा, फिर नीचे वाले हिस्से में भी आपको ऐसे डबल करना होगा, 1 कर दीजिए, 1 आप यहाँ पर कर देंगे। और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी करिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आप ऐसे डबल करिए और यहाँ पे भी आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक सीधी लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को हम ऐसे मिला देंगे, 7 को यहाँ पे भी आप ऐसे मिला दीजिएगा। देखिए कितना बहुत ही आसान है, एक सीधी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे हमने 1 ड्रॉ किया, 1 यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखिएगा यहाँ से आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, 1 आपको यहां पे भी ऐसे ड्रॉ कर देना होगा, छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, फिर एक बीच में आप ऐसे 1 ड्रॉ कर दीजिएगा, 1 यहां से हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहां पे आपको जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ आप यहां पे ऐसे डबल लाइन करिए, 1 यहां पे, बहुत ही आसान तरीका है। यहां पे भी आप ऐसे डबल लाइन करते जाइएगा, फिर एक छोटी सी लाइन यहां पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइए, 1 यहां पे बढ़ाइएगा, ऊपर की तरफ जो है इसको हमें ऐसे मिला देना होगा। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों इसको ऐसे हम डबल कर देंगे। अब यहां तक हो गया हमारा, डबल करने के बाद देखिएगा यहां से आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा और हमें ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा देना होगा और ऐसे डबल लाइन ड्रॉ कर देना होगा प्यारे बच्चों। डबल लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ आप जो है सेम प्रोसेस इस साइड भी रिपीट करना होगा, यानी कि आप यहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए, 1 यहां पे, इसी तरह आप यहां पे भी ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। देखिए कितना आसान है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ऐसे छोटा सा गुंबद बना दीजिए, गुंबद बनाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे उल्टा यू यू लिखते जाइएगा, यहाँ पे लिखिए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा हमें ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा देना होगा, यहाँ पर बढ़ा दीजिए। इसी तरह सेम प्रोसेस आपको इस वाले लाइन को भी नीचे की तरफ बढ़ा देना होगा, यहाँ पर भी आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। आप जो है स्केल का यूज करिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद उल्टा यहां पे आप यू लिखते जाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे हमें ऊपर की तरफ इसको डबल करके यहां पे भी आपको एक ऐसे गुंबद बनाना होगा, एक आप यहां पे ताजमहल का गुंबद बना देंगे प्यारे बच्चों। ये हो गया गुंबद बनाने के बाद एक आपको बड़ा सा यहां पे ऐसे गुंबद बनाना होगा। तो यह हमारा ताजमहल का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा बनके तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा हम यहां पे नीचे की तरफ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों।